उसके चेहरे राघव साहब और सिंह साहब, मैं आप सभी लोग जिन्होंने यहाँ पर आज पुरस्कार अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया उन सभी को मैं बधाई देता हूँ, और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है मैं उन्हें भी उतने ही गहरे से बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अपने लिए नए जीवन की शुरुआत जो सोची है, जो अपने लिए सपने देखे हैं उसको पूरा करने का उनका समय आ रहा है। आप सभी लोगों ने यहाँ काफी कड़ी मेहनत की, जैसा कि मुझे आपके साथियों ने जो आपके यहाँ शिक्षा करे उन्होंने अभी यहाँ बताया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जो आप लोगों ने परिश्रम किया है उसका जो आपको भी यहाँ प्रतिफल मिला है उसको आप आगे भी उसी तरीके से बनाए रखेंगे। ये एक पड़ाव था जो आपने अपने आप पूरा कर लिया है, अब उस पड़ाव को जो कुछ आपने यहाँ सीखा है, जो कुछ आपने यहाँ जाना है, जो समझा है और अपने आप को किसी लायक बनाया है, उस लायक बनाने का आपको एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है, अब उसकी परीक्षा की घड़ी आ गया है। अब आपको जन सामान्य के बीच में जाके वो लड़ाई लड़नी है जिसको कि हम असली लड़ाई कहते हैं। परंतु मैं इसमें ये बात जरूर कह दूं कि आप सभी लोगों को ये नहीं ध्यान में रखना कि मुझे सिर्फ एक कोई किसी भी संस्थान में जॉब करनी है। आईटीआई एक ऐसी संस्थान है जो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाता है। ठीक, स्वावलंबन का मतलब ये नहीं कि मुझे जाके कहीं पर नौकरी करनी है या कोई मुझे जॉब ढूंढनी है। आपको एक स्किल दी गई है यहाँ पे, आपको एक ट्रेड आपने यहाँ सीखा, इसका मतलब उस कार्य को करने के लिए आप बाकी की अपेक्षा ज्यादा कुशल हो गए। कोई व्यक्ति उसको 9 के अंक से कर पाता है, उसी चीज को आप 20 अंक से कर पाते हैं, ये आपने यहाँ पे हासिल कर लिया है। तो जब आप यहाँ से निकल के बाहर जाए तो सिर्फ नौकरी की तलाश में ना। स्वावलंबन की तरफ एक कदम आगे बढ़े। जब मैं एडमिशन के लिए आई थी तो मुझे
मोटिवेट किया कि बेटा आप ये कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर मेरे मामा जी ने कहा कि आप डीजल ही लो क्योंकि इसमें रेलवे के लिए ज्यादा रहेगा। मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। जब मैं यहाँ पर आई और मैंने फर्स्ट क्लास में मुझे लगा कि हाँ मैं कर भी नहीं हूँ क्योंकि हमारे राठौर सर है ना बहुत ही ज्यादा मुझे सपोर्ट किया था। इतने सारे लड़कों के बीच में 23 लड़के थे, मैं अकेली थी, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत की और सर ने मुझे हमेशा एक बेटी की तरह उन्होंने सपने बीए किया है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक गांव से निकली हूँ तो मुझे कुछ करना है, मतलब कुछ। अपने गांव से जब आते हैं या गांव में जाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि नाम बने, वहां जाए तो लोग बोले कि अरे उस छोटे से किसान ने या छोटे से मजदूर ने एक लड़की को भोपाल पहुंचाया है और वो पढ़ रही है, तो मतलब वो सक्सेस हुआ। मैं जैसे कि कुछ बन जाऊंगी तो मुझे देखकर लोग और मोटिवेट होंगे और वो भी अपनी लड़की। तो सबके इंटरेस्ट की बात है लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो इसका मतलब मुझ भी क्वालिटी थी कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैंने किया। और मैं बहुत अच्छे से सीखी हूँ, हमें मुझे हर तरह से सपोर्ट भी मिला है, सब कुछ अच्छे से बताया भी गया है। स्पेशली हमारे जो सर थे बहुत सपोर्टेबल है, लेकिन अभी तो मुझे पूरा स्टाफ भी अच्छा लगा मैम और हमारे सब क्लास भी अच्छी थी। और अब सही है बात तो ये कि अनुशासन भी अच्छा है। आगे मैं सिलाई सेंटर खोलना चाहती हूँ और बस इतना तो करना है। फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब जो उनसे पूछा गया आज तक मेरा एक साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैंने जो भी मैम से पूछा मैम ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मुझे क्लियर करी। कभी मुझे ज़रूरत हुई किसी भी वक्त मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरी मदद करी, तो मुझे इसलिए अच्छा लगा और मैं यहाँ पहले भी आना चाहती हूँ। बहुत एक एबिलिटी आ गई है कुछ नया करने के लिए, सोचा है कि अब कुछ नया ही हो जाएगा। पहले प्लान नहीं था कुछ ऐसा, इसके बाद प्लान हो गया। पहले तो नहीं थे, उसके बाद हो गया, यहाँ आए तो देखा था।